हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे ब्राज़ीलियन सेरी ए लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाए यहां से गोइनियंस एफसी और पालमेरास के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी समाल टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं ब्राज़ीलियन सेरी ए लीग की जो पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या है पोजीशन। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं ब्राज़ीलियन सेरी ए लीग की जो पॉइंट्स टेबल वहाँ पर, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं पालमेरास इस लीग में फर्स्ट पोजीशन पर, वहीं पर बात करें एटलेटिको क्लब गोइनियंस इस लीग में इलेवंथ पोजीशन पर है। तो गाइज पालमेरास ने इस लीग में 11 मैच खेले हैं, जिनमें से 8 मैच तो इस टीम ने विन भी किए और एक मैच ड्रॉ भी खेला है और 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं, और 21 गोल अटैकिंग वाइज किए हैं और 12 गोल इस टीम ने डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी किए हैं। तो गाइज 11 मैच में 21 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.9 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 11 मैच में 12 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड भी किए, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है और प्रत्येक मैच में कभी कभी ये टीम 2 गोल पर मैच स्कोर भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। बेहतर टीम के सामने ही प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड करने का एवरेज निकल कर आता है इस टीम का। अब गाइज बात करें एटलेटिको क्लब गोइनियंस जो टीम है इस लीग में, इसने 11th पोजीशन हासिल कर रखी है और 10 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 मैच तो इस टीम ने विन भी किए हैं और 3 मैच ड्रॉ भी खेले और 3 ही मैच इस टीम ने लॉस किए हैं, और 9 गोल अटैकिंग वाइज किए हैं और 9 गोल इस टीम ने डिफेंसिव वाइज कंसीड भी किए हैं। तो गाइज 10 मैच में 9 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 0.9 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 10 मैच में 9 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 0.9 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती, अपने लेवल की टीम के सामने प्रत्येक मैच में 1 गोल कर देती, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर टीम के सामने ही प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड करने का इसका एवरेज है पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग। अब गाइज बात आती है किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम में एक फेवरेट टीम मान के चलें इन दोनों टीमों में। तो गाइज मैं यहां से पालमेरास को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है इस लीग में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी आप यहाँ से मान सकते हो पालमेरास एक इम्पोर्ट और एक बेहतरीन टीम रहने वाली है हमारी शमाली टीम के लिए। लेकिन गाइज बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में एक फेवरेट टीम होने वाली हमारी शमाली टीम के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, जिनमें से एटलेटिको क्लब गोइनियंस ने अभी तक कोई भी मैच विन नहीं किया, बल्कि एक मैच ड्रॉ जरूर खेला बल्कि 4 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में ये टीम गोल नहीं कर पाती, 2 मैच में एक ही गोल स्कोर कर पाती है पालमेरास के अगेंस्ट में, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम कहीं ना कहीं पालमेरास के अगेंस्ट में 2.2 मतलब प्रत्येक मैच में 2 गोल कंसीड करने का इसका एवरेज है। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो यहाँ से पालमेरास और एथलेटिको के बीच में 1-1 का मैच ड्रॉ देखने को मिला, मतलब अटैकिंग वाइज दोनों तरफ से गोल हुए लेकिन डिफेंसिव वाइज भी दोनों टीमों की तरफ से गोल कंसीड किए गए। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और उस मैच को पालमेरास 3-0 से विन कर गई थी। काफ़ी अच्छा अटैकिंग परफॉर्मेंस रहा यहाँ से पालमेरास का, और उससे पिछले मुकाबला अगेन इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और यहाँ से पालमेरास इस मैच को फिर से 3-1 से विन कर गई थी, और फिर इन दोनों टीमों के बीच में 2 मैच और हुआ और उन दोनों मैचों को यहाँ से पालमेरास इजीली विन कर गई थी। अटैकिंग वाइज गोल भी किया लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं करती इस टीम के सामने, 2 मैच में एक ही गोल कंसीड करने का एवरेज निकल कर आता है हेड टू हेड के अकॉर्डिंग। अब गाइस बात करते हैं जो पालमेरास का जो परफॉर्मेंस है हेड टू हेड के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ से एक फेवरेट टीम रहती है पालमेरास इस मैच में हमारी शमाली टीम के लिए। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों जो रिसेंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं एटलेटिको क्लब का जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइस एटलेटिको ने रिसेंटली 6 मैच खेले, जिनमें से 2 मैच विन, 2 ड्रॉ, 2 लॉस।
अटैकिंग वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर, डिफेंसिव वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती, अपने लेवल की टीम के सामने प्रत्येक मैच में गोल कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में एक गोल कंसीड भी कर देती है। अब बात करें जो पिछला मैच जुवेंटुडे के सामने ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेल कर आई, मतलब अटैकिंग वाइज एक गोल भी किया लेकिन डिफेंसिव वाइज एक गोल कंसीड भी कर दिया, और उससे पहले मुकाबला इस टीम ने अगेन 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला, फिर यहाँ से 1-0 से विन किया। तो गाइज रिसेंट में देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी आप मान से तो कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड कर देती है। और उससे पिछले मुकाबले इस टीम ने 4-1 से लॉस, फिर यहां से 1-0 से लॉस और फिर यहां से 1-0 से विन। तो गाइज इस टीम ने दो मैच विन किए विद क्लीन चिट के साथ, और दो मैच इस टीम ने ड्रॉ खेला विद अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस और डिफेंसिव वाइज एक गोल कंसीड कर गया, और दो मैच इस टीम ने लॉस किए, मतलब ये टीम डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस खास अच्छा नहीं किया इन दो मैच में, लेकिन अटैकिंग वाइज आप मान सकते दो मैच में सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया जिस मैच में इसने लॉस का सामना करना पड़ा। तो गाइज परफॉर्मेंस यहां से एटलेटिको क्लब ग्वेनियंस की जो टीम है उसका परफॉर्मेंस एवरेज देखने को मिलता है, अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। अब बात करते हैं पाल्मेरास का जो रिसेंट फॉर्म उसके अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस है। तो गाइज पाल्मेरास ने रिसेंटली 6 मैच खेले हैं जिनमें से 6 के 6 मैच विन किए हैं, बल्कि अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच इस टीम ने 2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम 0.8 गोल, मतलब ये टीम हल्की टीम के सामने तो जल्दी से गोल कंसीड करती नहीं है, बल्कि बेहतर टीम के सामने प्रत्येक मैच में एक गोल कंसीड करती है। अब बात करें जो पिछला मैच पाल्मेरास 1-0 से विन करके आ रही है, अटैकिंग वाइज अच्छा परफॉर्मेंस लिया लेकिन डिफेंस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया। उससे पहले मुकाबले सेंटोस के सामने इस टीम ने 3-2 से मैच को विन किया, फिर यहां से 2-0 से विन, फिर यहां से 1-0 से विन, फिर यहां से 2-1 से विन, फिर यहां से 3-2 से विन। तो गाइज आप देख सकते हो इसने रिसेंटली 6 मैच खेले और 6 के 6 मैच विन किए, कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर किया और डिफेंसिव वाइज एक बेहतर टीम के सामने गोल कंसीड किया, वरना हल्की टीम के सामने थी टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है पाल्मेरास की ओर से। अब गाइस बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या निकल कर आता है हमारे शमाली टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल देखी, फिर इन दोनों टीमों को हेड टू हेड मैचेस देखे, फिर इन दोनों टीमों को रीसेंट फॉर्म देखी। तो इन तीनों चीजों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए क्या चीज देखने को मिलती है हमारी प्रेडिक्शन के लिए। तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो ये जो यहाँ से पाल्मेरास टीम है प्रत्येक मैच में कम से कम 1.9 का मतलब कि 2 गोल पर मैच स्कोर करती है, और बेहतर टीम के सामने ही 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करती है। और हेड टू हेड में ये चीज़ देखा गया कि जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो पाल्मेरास कम से कम 2 गोल पर मैच स्कोर करती है, और इस टीम के सामने जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, दो मैच में एक ही गोल कंसीड करना का एवरेज निकल कर आता है हेड टू हेड में। अब बात करें रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों टीमें प्रत्येक मैच में, मतलब पाल्मेरास जो टीम प्रत्येक मैच में 2 गोल स्कोर करती है लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं करती, और मतलब एटलेटिको क्लब ग्वेनियंस जो टीम है प्रत्येक मैच में एक गोल करती है लेकिन एक गोल कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइस इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखते हुए क्या स्कोर एंड प्रेडिक्शन निकल कर आने चाहिए इस मैच हमारी शमालिक टीम के लिए। तो गाइस देखो पाल्मेरास प्रत्येक मैच में गोल तो करती है, डिफेंसिव वाइज भी काफ़ी अच्छी टीम और इस लीग की टॉप ऑफ द टेबल की टीम है, तो उस कंडीशन में कम से कम इस टीम को 2 गोल तो करना चाहिए इस लीग में, मतलब इस मैच में, और डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एटलेटिको का जो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस उतना खास भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ से इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन हमने 0-2 रखा, और 0-2 की प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच हमारी शमाली टीम बनने वाली है ड्रीम इलेवन पर, वही बनाने वाले हम ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नज़र डालेंगे एटलेटिको के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे पाल्मेरास के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं एटलेटिको के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो को सबसे ऊपर वाले कमेंट में आप इन दोनों में से किसी एक से ना आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको फाइनल लाइनअप विद प्लेयर की पोजीशन वाइज की कौन से प्लेयर कौन सी पोजीशन खेलेगा उसका अकॉर्डिंग जो लाइनअप रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और फाइनल टीम भी इस मैच की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन याद रहे लिंक के जरिए ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं एटलेटिको के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज एटलेटिको टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर जोस रॉबर्टो जिसने इस टीम की तरफ से 2 गोल किए हैं, और आर्थर गोमेस जिसने 1 गोल किया। तो यहाँ से इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आता है ना यहाँ से, तो यहाँ से आर्थर गोमेस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिना गोल असिस्ट के पॉइंट भी देगा, इसलिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जोस रॉबर्टो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि दूसरी टीम का जो डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत है, इस टीम के सामने गोल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर आपको लगे कि गोल ही करेगा तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ से आपके लिए ग्राम मिन्हा जिसने
एक गोल किया, बाकी सारे प्लेयर्स ने एक एक गोल किया। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इन प्लेयर्स का, आप स्मॉल लीग टीम बनाने के लिए ड्रीम इलेवन पर। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं मैं फिलहाल टिक कर रहा हूँ, इनको तो आप पिक करके चलना अपने ड्रीम इलेवन की टीम में। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले, इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं तो एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइज असिस्ट के मामले इस टीम की तरफ से यहाँ से बटिस्टा, मतलब बटिस्टा निकल कर आते हैं जिसने 3 असिस्ट किए हैं। यहाँ पर देखो ये बटिस्टा है, तो इसने असिस्ट 3 किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और की पासेस का पॉइंट भी देगा, इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट भी दे जाएगा, तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको पिक करके चला हूँ। और याद रहे इस मैच में क्रेडिट की प्रॉब्लम काफ़ी हाई है, लेकिन लाइनअप आने के बाद सब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड हाइएस्ट असिस्ट टेकर आर्थर गोमेस, जो कि गोल भी किया है असिस्ट भी किया, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जाओ पाउलो जिसने एक गोल और एक असिस्ट भी किया, तो यहाँ से ये तीनों प्लेयर को आप पिक करके चलना अपने ड्रीम इलेवन टीम में। अब बात करते हैं सेकंड टीम जो पालमेरा, इसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं पालमेरास के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज पालमेरास की टीम की तरफ जो फिलहाल के टाइम पर हाईएस्ट गोल टेकर ब्रेनो, जिसने इस टीम की तरफ से 4 गोल किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन की बेहतरीन चॉइस रहेगा। वहीं पर बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर राफेल वेगा, जिसने 3 गोल किए, लेकिन पिछले सीजन के अनुसार ये इस टीम की तरफ से सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर था, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको ही कैप्टन बना के चला हूं। और यहां से ब्रेना को अगर पोजीशन अच्छी रहेगी तो उस कंडीशन में इसको भी कैप्टन दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए वेगा को मैंने कैप्टन बनाया। वहीं पर बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर विलियन, जिसने 3 गोल किए हैं, और ये भी पिछले सीजन के अनुसार इस टीम की तरफ से थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर था, और थर्ड मतलब हाईएस्ट गोल टेकर था और सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर वह, और इसलिए मैंने इसको पिक किया है। गुस्टावो सकार्पा 2 गोल कर चुका है और असिस्ट में भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट रहा है इस प्लेयर का, तो इसलिए मैंने इसको पिक करके चले। डाइवर्सन जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको जानते हो कि प्रीमियर लीग खेल चुका बंदा और ला लीगा में भी खेल चुका है। बाकी के सारे प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में, मैंने टिक किया हुआ है तो यहाँ से इनको तो पिक करके चलना ही चलना, बाकी और भी बताएंगे। अब बात करते हैं असिस्ट मामले, इस टीम से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं तो एक बार नज़र डालते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो गाइज असिस्ट के मामले इस टीम की तरफ से गुस्टावो सकार्पा, जिसने असिस्ट 7 किए हैं और 3 गोल भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में। राफेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, 3 गोल कर चुका है, 2 असिस्ट भी किए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। डाइवर्सन जो कि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, इसको पिक करके चलना अगर ये स्टार्टिंग लाइनअप में आपको मिले तो। लुइज एड्रियानो अगर ये खेले तो ये कैप्टन बना सकते हो, कब इसको ना पोजीशन देखना, जब लाइनअप आ जाए अगर सेंटर फॉरवर्ड में इसकी मेन पोजीशन रही तो उस कंडीशन में ये कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा और सबसे डिफरेंशियल चॉइस रहेगा। और इतना बोल रहा हूँ हाई मार्जिन से आप इस मैच में विन कर जाओगे, क्योंकि जिस प्लेयर की क्वालिटी है ना वो अल्लाह काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, कहने का मतलब यही है। बाकी का सारे प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने 0-2 रखा है और 0-2 की प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच में हमारी समाल लीग टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो एक बार नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें राफेल को मैंने कैप्टन बनाया, डाइवर्सन को वाइस कैप्टन रखा, प्लेयर की क्वालिटी पर मत जाना, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ब्रेनो को हमने टीम में पिक किया और यहाँ सकार्पा को हम पिक करके चले हैं। जब पोला को पिक किया और यहाँ से हम एंड्रे सिल्वा, नाम बहुत अजीब है लेकिन लाइनअप आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये पिक किए हैं और इसमें क्रेडिट की काफ़ी हाई प्रॉब्लम है, तो लाइनअप आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक डेमो टीम है, मतलब स्टेट्स के अनुसार टीम है, लेकिन जो लाइनअप के अनुसार जो टीम रहेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और याद रहे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो को सबसे ऊपर वाला कॉमेंट, इन दोनों में से किसी एक से ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ताकि आप फेंक चैनल वालों से बच सकें और एक एक्चुअल चैनल पर आप पहुँचे। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की, ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जरूर कर लेना। जो नेक्स्ट आने वाला मैच है ना सुबह का गोल्ड कप का, उसकी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, होप्स आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वरना डिसलाइक का ऑप्शन है जो आपको पसंद नहीं आई तो।